हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली। और अभी हम आए हुए हैं सांगला हिमाचल प्रदेश में होली सेलिब्रेट करने। स्पेशली जैसा कि सबको पता होगा, होली फेमस है तीन जगह की, वृंदावन की और आपकी फेमस है पुष्कर की और सांगला की। अभी जस्ट हम पहुंचे ही हैं और हमारे पीछे इधर सामने यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। इधर ऊपर यहाँ पे चौपाल का प्रोग्राम हो रहा है और बहुत ज्यादा भीड़ है। इस बार सांगला और ज्यादा फेमस हुआ है, काफी ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। पहले तो ये तो साफ कर ले, तुझे दिख कैसे रहा है कुछ भी। और अभी हम चल रहे हैं ऊपर, डांस प्रोग्राम जो भी होता है ये सब देखेंगे। बढ़िया गाना बजाने यहाँ सब होने वाला है, तो पूरा व्लॉग एंड तक देखना। और फिर से हैप्पी होली सबको। अब चलते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। हैप्पी होली। इतनी भीड़ है, उस समोसे की दुकान पे हमें एक घंटा लग गया।
समोसे लेने के लिए। अब हम समोसे लेने हाँ आज बिल्कुल सब कुछ बंद है, अब समोसे ले आए हैं और चटनी पानी तक नहीं मिल रहा है, जूस से काम चला रहे हैं, मतलब बड़ी मुश्किल से मिला। अब यहाँ बैठ गए आराम से, जहाँ जगह मिली यहाँ बैठ के इंजॉय करेंगे भाई, कुछ खाएंगे, क्योंकि इनका जो नाटी डांस करते करते ना होता तो स्लो है लेकिन इंसान थकता तो है ही, तो इसने भी काफ़ी डांस करा और मैंने भी करा। इसे खाने के बाद ना समोसे खाते हैं और फिर से चलते हैं ऊपर, वहाँ डांस करेंगे, बट पहले ना ये एक्सपीरियंस तो बहुत मज़ेदार है यार, मतलब डिफरेंट वाइब है, डिफरेंट है, बट पहले समोसे खाते हैं। तो हमने तलवाए मस्त हो रहे हैं समोसे के साथ साथ, राहुल रंग भी खा रहे हैं है ना? होली है भाई, चलता है। चलो यार समोसे तो खा लिए, अब ऊपर फिर देख के आते हैं क्या प्रोग्राम चल रहा है। वैसे तो अभी गाना बजाना बंद हो गया है, ब्रेक ब्रेक में चलता रहता है यहाँ पे, तो अभी तो यार इधर थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो गया है, लोग खाएंगे पियेंगे और फिर से यहाँ आ जाएंगे डांस वगैरह के लिए। अभी हम इधर आ गए, सरकारी कुछ ये PWD हाउस है, इधर खड़े हो जाते हैं, यहाँ से पूरा स्नो पीक माउंटेन्स का व्यू आता है सामने। देखो इस बार अपनी होली हो रही है हिमाचल में, सांगला में, स्नो के बीच में। और ये अभी ना जो जितनी भी भीड़ खड़ी है, आधी भी भीड़ नहीं है, इससे ज़्यादा भीड़ अभी नीचे गई है खाना पीना खाने, वापस यहीं पे आएगी। बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ था जहाँ के मैंने डांस क्लिप्स दिखाए अभी आपको, और अभी कोशिश करेंगे वापस चलते हुए यहाँ से ना ड्रोन शॉट्स भी लेंगे, उन्हें भी इंजॉय करेंगे कि ऊपर से कैसा व्यू आता है होली का सांगला में। यहाँ पे फिर से चालू हो गया डांस वाला प्रोग्राम, ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो इसे भी इंजॉय करते हैं। और ये वाली होली हमारी सांगला में हिमाचल में बहुत ही अच्छी थी, बड़ा मज़ा आया, हमारे घर से दूर भी नहीं था, हमें 6 घंटे लगे कुल यहाँ आने में। बाकी अभी यहाँ पे फिर प्रोग्राम चालू हो रहा है, उसे इंजॉय करो। और हाँ, यहाँ की होली इसलिए भी स्पेशल होती है क्योंकि यहाँ पे जो ये डांस हो रहा है ना, ये सब हो रहा है यहाँ पे, ये रामायण को डिपिक्ट करते हैं, मतलब रामायण में जो कुछ भी हुआ था एक तरीके से रामायण दिखाई जाती है यहाँ पे, हनुमान जी बने हुए हैं, सब बने हुए हैं, और उस तरीके का डांस होता है। तो ये सब डिटेल्स मैं दूंगा वीडियो के एंड में फिर से, इसे इंजॉय करते हैं, मतलब ये निकल जाएगा, बहुत स्पेशल चीज़ है ये। अभी रामायण का छोटा सा पार्ट इन लोगों ने डिपिक्ट करा हनुमान जी वाला, और अब जाएंगे गांव में देवता को लेकर। वो देखो, वो जो देख रहे हो आप कंधों पे ले रखा वो देवता है, अभी नहीं ऊपर लेके जाएंगे सांगला मेन गांव, ये सारे अब ऊपर चले जाएंगे, ये जाती जा रही है हनुमान जी, और ये सारे इन्होंने यहाँ बना रखे हैं, और डांस करते हुए यहाँ से निकल जाएंगे, जो ये मेन सांगला का ग्राउंड है, जो इसके सामने PWD गेस्ट हाउस है, और ऊपर गांव में जाएंगे, वहाँ पे इंजॉय करेंगे फिर इस चीज़ को, और वहाँ है गांव वो ऊपर। और यहाँ की होली थोड़ी इसलिए भी स्पेशल और अच्छी मानी जाती है सांगला की, क्योंकि यहाँ पानी से नहीं खेली जाती। एक तो रीज़न ये है क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, -4 है अभी यहाँ पे टेम्परेचर, और सिर्फ रंगों से खेली जाती है, बहुत साफ़ होली होती है, कोई ज़बरदस्ती यहाँ पे कलर भी नहीं फेंकता, आप आराम से यहाँ इंजॉय कर सकते हो, बड़ा मज़ा आता है इसमें। शुभांगी मुझे ढूंढ रही है, यहाँ भीड़ इतनी है तो कोई पानी का यूज़ नहीं होता ठंड की वजह से, सिर्फ रंगों से खेलते हैं और ज़बरदस्ती नहीं लगाते, कंसेंट से लगाते हैं। हम जैसे ही यहाँ आए थे ना, हमें 3-4 लोगों का ग्रुप मिला, उनने पूछ के हमें रंग लगा दिया, क्योंकि हम एकदम आए थे तो बिल्कुल क्लीन थे और थोड़ा सा लेट आए थे हम, तो बढ़िया तरह हमें अच्छी तरह हैप्पी होली करते हुए रंग लगा दिया, हमने भी उन्हें लगाया। तो ये प्रोग्राम है अभी यहाँ का ख़त्म नहीं हुआ, ऊपर भी जाता है कमरू फोर्ट, जो इनका मेन गांव है, गांव में मतलब मेन गांव सांगला है, वहाँ पे कमरू फोर्ट है, वहाँ पे भी ये जाके जाती है और इसे इंजॉय करते हैं। बाकी काफ़ी रंग गले में भी जा चुका है, अब हमारा प्लान है यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ खाने को भी कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, और हम रुके हुए कल्पा में, तो कल्पा जाके आराम से कुछ बढ़िया खाएंगे। और यहाँ शुभांगी को प्रसाद भी मिल गया, केला फल मिलते हैं प्रसाद, ये अभी केला लेके आइए। चलो एटलीस्ट ठीक है, समोसे खा के इतना बढ़िया पेट नहीं भरा था हम ना,
दो दो समोसे खा लिए थे हमने, बट हमारा पेट नहीं भरा था। प्रसाद लेते हैं, धूप में दो मिनट और बैठते हैं, गाड़ी ऊपर हमारी एक किलोमीटर वॉक करके जाना पड़ेगा यहाँ तो, क्योंकि पार्किंग बिल्कुल भी नहीं मिल रही, तो ऊपर चलेंगे गाड़ी के पास और यहाँ से कल्पा निकलेंगे। अब जो ये जाती है ना यहाँ पे, हम लोग ऊपर यहाँ से नीचे आ गई है, अभी ऐसे ही जाएगी डांस करते हुए गांव की तरफ। ऊपर है गांव एक किलोमीटर, वहाँ नाग देवता मंदिर भी है, वहाँ भी जाती है जाकी, और फिर वहीं पे मेला लगता है। ये देखो भाई डांस होते हुए जाएगी पूरी जाकी, हनुमान जी हो रहे, और भीड़ देखो इस बार कितनी है। एक दो साल से बहुत सुना था सांगला की होली के बारे में, इस बार देख भी लिया, लेकिन अच्छी बात है काफ़ी साफ और अच्छी होली होती है। जैसे बरसाना का तो आपने वीडियोस भी देखी होगी कितनी धक्का मुक्की और ये सब हो जाता है, बट इधर काफ़ी अच्छी और शांति से डांस करते हुए, इनका डांस भी स्लो स्लो है तो बड़ा मज़ा आता है उस डांस को करने में। ये इधर निकल जाएगी, इसी रास्ते से हम लोग आए थे, हमारी गाड़ी ऊपर खड़ी है, बाकी देखोगे छतों तक लोग बैठे हुए हैं। घूम के नीचे जाएगी, हाँ घूम के गांव की तरफ जाएगी। यहाँ भीड़ इतनी है कि करीब हमें एक किलोमीटर ऊपर गाड़ी लगानी पड़ी। अब ट्रैक करके जाने में ना हालत खराब हो रही है, उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, उतरने में तो यहाँ ढलान है ना पूरी, हालत खराब हो रही है, चढ़ने में हालत खराब हो रही है, ब्रेक ले लेके जा रहे हैं। बाकी सांगला से व्यू बहुत अच्छा है, और सांगला के आगे जाओगे ना अगर तो चिटकुल पड़ता है, सबने सुना ही होगा इंडिया का लास्ट विलेज है। अभी तो हैं हम कल तक यहाँ पे ही हैं, कल्पा में रुके हुए हैं, उसके आगे प्लान करते हैं स्पीति जाने का अगर हमारा प्रोग्राम बन जाए, क्योंकि काफ़ी पास है हम स्पीति के, 4 घंटा दूर है यहाँ से काजा, जो स्पीति वैली का मेन टाउन है जहाँ जाते हैं लोग। तो लेट्स सी, अभी तो गाड़ी तक पहुँचे हूँ, बड़ी बात है। तो यार फाइनली अपनी गाड़ी के पास हम लोग आ गए हैं, अब यहाँ से निकलेंगे सांगला से, कल्पा जाना है 1 घंटा ही दूर है यहाँ से, बाकी धूप बहुत तेज़ है, -4 है बट फील नहीं हो रहा है, शुभांगियां टी शर्ट में है, एक्सट्रीमली हॉट लग रहा है यार, मतलब लगी फील ही नहीं हो रहा है कि -4 टेम्परेचर। मैं तो सोच के आई थी जैकेट वैकेट डाल के खेलनी पड़ेगी, बट यहाँ तो जैकेट वैकेट सब उतार के खेलनी पड़ेगी। बट अपनी अगर फीलिंग बताऊँ तो हिमाचल में खेलने में इस बार होली काफ़ी मज़ा आया, नीचे तो अपने वहाँ दिल्ली साइड बहुत बार खेली, इतने सालों से वहीं खेलते आ रहे हैं, बट इधर की ना बहुत शांत और पीसफुल और बहुत हैप्पी होली कहते हैं ना, जो हैप्पी होली शांति है बहुत। अभी यार सांगला में हो रखा अच्छा खासा रश, मैंने सोचा नहीं था कभी भी हिमाचल में इतना ज़्यादा रश होता होगा। तो यार आज होली एंजॉय करते करते टाइम हो गया है करीब 3:30, अब वापस जा रहे हैं, और आते हुए ना हमें एक गाड़ी नहीं मिली, कल्पा से हम लोग ही आए थे, जो आए होंगे या तो पहले पहुंच गए होंगे या यहीं रुके होंगे। अब जाते हुए सांगला से इतना रश है भाई सब, गाड़ियों की लाइन है, 100-200 गाड़ी आगे हैं, 100-200 पीछे हैं, ट्रैवलर ही ट्रैवलर है, क्योंकि काफी एक्सपेडिशंस भी चल रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया, सो काफी लोग स्पीति भी जा रहे हैं ना, तो अभी हमें करीब 1 घंटा लगेगा एज पर गूगल मैप, 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा लग जाएगा हमें। बाकी यहाँ इतने पतले रास्ते ना, अगर चिटकुल और सांगला की तरफ आओगे तो साइड देते देते निकालनी पड़ती है गाड़ी ना, बहुत नैरो है, कई कई जगह बीच में ये भी नहीं है, देखो सीधा खाई है, बहुत नैरो रोड है, डिवाइडर नहीं है बिल्कुल भी। तो यार एक काम करते हैं, हम तो जाएंगे अब अपने होटल कल्पा में और जाके आराम से रेस्ट करेंगे, नहाएंगे आराम से नहाएंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे, क्योंकि पूरे कपड़े और हम पूरे खुद कलर में हो चुके हैं, और यहाँ पे भी ना गाड़ी देख के चलानी पड़ रही है, तो इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। बाकी उससे पहले ना आप लोग कमेंट में जरूर बताना, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि अगर स्पीति के आप लोगों को ब्लॉग चाहिए, स्पीति देखना चाहते हो हमारे यहाँ से, जहाँ अभी हमें कल्पा स्पीति दूर नहीं है, मुश्किल से हमें 4-4.5 घंटे लगेंगे जाने में, और अभी भी स्पीति काइंड ऑफ विंटर एक्सपेडिशन स्पीति में चल रही हैं, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ अभी भी -15 -18 जा रहा है। सो आप लोग कमेंट कर सकते हो अगर स्पीति देखना है थ्रू आर आईज, तो हम ज़रूर दिखाएंगे। बाकी कमेंट में ये भी बताना ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, और इस वाले ब्लॉग को एंड करने से पहले फिर से सबको हैप्पी होली, हैप्पी होली, एंड टिल देन यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।